हेलो समद, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आई होप तुम भी ठीक हो। कहाँ हो? ओ, आज कुछ इंटरव्यूज लाइन अप हुए हुए थे तो बस सुबह से उसी के चक्कर में निकली हुई हूँ। ओह ग्रेट, जी सुनकर बहुत खुशी हुई है। थैंक यू। तुम अपनी सीवी मुझे भी सेंड कर देना, आप मैं भी ट्राई करता हूँ कि। हाँ ठीक है, मैं सेंड कर दूँगी। तुम बताओ, कोई काम था? नहीं कोई काम तो नहीं था, इसी मैंने सोचा अगर तुम फ्री हो तो एक कप कॉफी हो जाए। ओके, मैं फ्री होके बताऊं तुम्हें। थैंक्स। बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें जिंदगी की तरफ लौटते देखकर। अभी भी बिखरी हुई है जिंदगी, मगर समेटना तो था ही ना। तुम बहादुर हो, बाहिम्मत हो, कर लोगे ना। थैंक यू समद, हर कदम पर मेरा साथ देने के लिए। बार बार थैंक्स कह के शर्मिंदा ना करो, तुम्हारा साथ देने में जाना सुकून मिलता है मुझे। बाय द वे, क्या सोचा तुमने आदि आंटी के बारे में? समझ, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, मुझे उन पर बिल्कुल यकीन नहीं है। जिस औरत ने मेरी माँ को धोखा दिया, पूरी दुनिया के सामने हमारा तमाशा बनाया, आज वो औरत अपने बेटे के खिलाफ गवाही देना चाहती है, कैसे? कभी सोचा है तुमने? तुम्हारा शक करना जायज है ज़ेबा, लेकिन मैं फिर कहूंगा इस बार वो सच कह रही है। साहिल के असली रूप ने वाकई बदल दिया। शायद वो नहीं चाहते कि उनका जालिम बेटा अब किसी और की जिंदगी पर बात करे, इसलिए तुमसे मिलना चाहते हैं। जरा सोचो, उनके साथ होने से हमारा केस कितना स्ट्रांग हो जाएगा। इस सब का सिर्फ और सिर्फ तुम्हें फायदा होगा सेबा। मैं वाकई उन पे यकीन है। तो फिर मुझे भी इन पे यकीन है। कहीं नहीं जा रहे आज तुम? हद में रहो तुम अपनी। झूठ बोला है तुमने मुझसे, धोखा दिया है तुमने मुझे। तुमने कहा था कि तुम सेबा को भूल चुके हो, लेकिन दरअसल सिर्फ वही है तुम्हारे दिल में। कुछ तो अकल करो, बहन है वो तुम्हारी। मर गई है वो मेरे लिए। मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए? क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? गुलाम बन के रही हूँ तुम्हारी, और तुम्हें अभी भी सेबा के अलावा कोई नजर नहीं आता। उसने तुम्हें जिल्लत और रुसवाई के अलावा और दिया ही क्या है? अरे जिल्लत और रुसवाई तो मैंने दी उसे। हर वक्त ये सोचते रहते हो कि मैंने उसे ना बुलाया होता तो आज वो गुनेगार हूं मैं उसका। मेरा जमीर झंझोड़ता रहता है मुझे कि किसी तरह मैं उसे इंसाफ दिला सकूं। और एक तुम हो यानी मैं ही अंधी थी, बेवकूफ थी मैं, जो कुछ समझ नहीं पाई। लेकिन अब
अब सब समझ आ रहा है मुझे। तुमने और सेबा ने मिलकर ये नया ड्रामा शुरू किया है ना, ताकि तुम दोनों फिर से एक हो जाओ। बस कर दो पड़ा। वो क्या गया है? क्यों उठा के ले आई उसे दोबारा यहां पे? क्योंकि ये वाहिद गवाह है कि मैं झूठी नहीं हूं। अब बताओ रेशम, बताओ साहिल ने क्या किया था तुम्हारे साथ? जी वो रेशम, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। तुम सच सच बताओ इन सबको कि साहिल ने क्या किया था तुम्हारे साथ। जी छोटे साहब ने मेरे साथ साहब ने मेरे साथ बुरा करने की कोशिश की जी। बड़ी बीबी बिल्कुल सही कह रही हैं, छोटे साहब बिल्कुल ठीक हैं, कुछ नहीं हुआ उन्हें। बकवास! कम जर्फ लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पे इल्जाम लगाने की? मैं छोड़ूंगा नहीं। खबरदार सिराज, अगर रेशम को कुछ भी हुआ तो ये बात यहां तक नहीं रुकेगी। रेशम तुम अंदर जाओ। क्या कर रही है? ये नहीं रह सकती यहाँ पे। ये यहीं रुकेगी, जब तक साहिल का चेहरा बेनकाब नहीं हो जाता ये कहीं नहीं जाएगी। ये तो वाकई पागल हो गई, तुम्हें साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। मम्मी आप क्यों कर रही हैं ऐसा? खुदा के लिए मत करें। देखो मैं समझ सकती हूँ कि तुम सबको मेरी बात पर यकीन करना मुश्किल पड़ रहा है ना, लेकिन हकीकत यही है कि साहिल बिल्कुल। देखो मेरी बात सुनो, मैं हाथ जोड़ता हूँ। पागलपन छोड़ दो, मैं यहाँ हफ्सा के रिश्ते की बात कर रहा हूँ। और तुम देखो, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिमाग पे असर हुआ है, तुम्हें सदमा हुआ है, लेकिन प्लीज अपने अपने जहन पे हावी ना करो ये सब। क्या हमारी बेटियां हैं, हमें हमें इनका घर बसाना है। किसी और की बेटी की इज्जत, उसकी जिंदगी बर्बाद करके हम अपनी बेटियों का घर बसाने का कैसे सोच सकते हैं? तो फिर क्या क्या चाहती हो तुम? यही कि साहिल अपना गुनाह तस्लीम करे, कफारा अदा करे। अम्मी आप तो बहुत प्यार करती थी साहिल से, तो अब क्यों उसकी दुश्मन बन गई हैं? दुश्मन मैं नहीं, दुश्मन वो बना हुआ है सबका। तुम सबको धोखा दे रहा है, वरना कोई माँ इस तरह से कर सकती है? हर माँ को अपनी औलाद प्यारी होती है। तो फिर क्यों पीछे पड़ गई उसके? डरती हूं अगर हमने उसे उसके हाल पे छोड़ दिया, अपनी अपने दिल की आंखें बंद कर ली और सच का साथ ना दिया, तो कुदरत का कानून, अल्लाह की गिरफ्त बहुत मजबूत होती है। सिराज मत भूलो, हमारी भी दो बेटियां हैं। ये मत करो ऐसी बातें, मत करो। देखो तुम रात भर सोई नहीं, परेशान हो, जाके सो जाओ, जा। हर इंसान को अपने किए का जवाब खुदा को खुद देना है। मेरी सारी बातें सुनकर भी तुम मेरी बात नहीं ना मान रहे, और सिराज सब कुछ जानते हुए भी तुम उसके गुनाहों को छुपाते जा रहे हो, कब तक छुपाओगे? बोलो। ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन मैं हर हद तक जाऊंगी। साहिल ने जेबा के साथ जो जुल्म किया है उसकी सजा उसे दिलवाऊंगी, चाहे अल्लाह मेरे कलेजे से ममता का जज्बा ही क्यों ना छीन ले।